आप सब कैसे हो? सो गाइस यार, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो यार, क्योंकि आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने को जा रहा हूँ, जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। तो यार, आप लोग तो व्हाट्सअप यूज़ करते ही होंगे, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो आप लोग यूज़ करते होंगे। मैं व्हाट्सअप की बात कर रहा हूँ, 1 बिलियन से ज़्यादा डाउनलोड होने वाला व्हाट्सअप। मतलब कि व्हाट्सअप में एक मैसेज बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, और वो मैसेज ये है कि आपका मतलब एक मैसेज को 50 लोगों को सेंड करो और 11 PM से 6 AM तक व्हाट्सएप जो है बंद होगा। आप लोग फोटोस, मैसेज कुछ भी कर नहीं सकते व्हाट्सएप पर, पूरी टोटली बंद हो जाएगा। और एक मैसेज को आप लोग, वो मैसेज मेरे पास नहीं वरना दिखा देता। मतलब आप लोग जान सकते हो कि इस मैसेज को आप लोग 50 लोगों सेंड करो, वरना आपका मतलब 450 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। 450 से कितना रिचार्ज करवाना पड़ेगा, इस तरह का मैसेज बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। ताकि लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब उस मैसेज को वायरल कर रहा है, सेंड कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये सही है या फिर गलत है, आज की इस वीडियो पर बताया जाएगा। और अगर ये सही नहीं है, ये फेक है, तो क्यों ऐसा मतलब फैलाया जा रहा है, इस वीडियो पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट शुरू से एंड तक देखो, और नए हो तो चैनल को मारो सब्सक्राइब और पास में खड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता दे देगा हूँ कि ये जो मैसेज 450 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, और जो 11 PM से मतलब रात को 6 बजे तक बंद होगा व्हाट्सएप, ये जो मैसेज है ना, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये बिल्कुल फेक है। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ऐसा सरकार ने निर्देश नहीं दिया है, और नरेंद्र जी तक ने भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि आपका व्हाट्सएप बंद होगा। आप मतलब 50 लोगों को सेंड कर लो, मारना आपको 450 तक का रिचार्ज करवाना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल फेक है यार, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये मैसेज क्यों ऐसा मतलब फैलाया जा रहा है, वायरल हो रहा है। तो देखो यार, कोई बंदा मजाक में बनाया होगा, या फिर मतलब अपने कुछ को प्रमोट करवाना चाहता होगा, मतलब प्रमोट कुछ इसलिए वायरल करा रहे बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग जैसे कि पता होगा कि कुछ दिन पहले फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर फोटोज़ वगैरह का कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, तभी जाकर सोचा और वायरल करा दिया, इस मैसेज को बना दिया, और कुछ प्रमोट वगैरह कुछ करवाना चाहता था। तो अगर ऐसा मैसेज आए तो आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसको बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत करो। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो का लिंक को उसको सेंड कर देना है, ताकि वो भी बंदा जान पाए कि यार ये मैसेज तो पूरी तरह से फेक है, सच्ची वाली बात नहीं है। इसी तरह के वो भी जान जाएगा, ताकि मतलब किसी की तरह की बुरी खबर या फिर फेक खबर आप लोगों के पास नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक को सेंड कर देना, तो इस तरह के चक्कर में आप मत पड़ो यार, क्यों आप लोग मतलब फालतू के टाइम में आपका टाइम जो है बर्बाद होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, तब तक के लिए मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो पर कुछ अच्छी खबर लेकर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टू राजेश जोगी यूट्यूब चैनल।